दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डन है क्राफ्ट में। आप जो देख रहे हैं नारियल का छिलका, इससे हम अपने घर में ही कोकोपीट बनाएंगे। तो कोकोपीट बनाने के लिए पहले सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची से काट लेना है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में मतलब इसे पीसना है। तो इससे पहले कैंची से छोटे छोटे से टुकड़ों में काटना है। फिर देखिए कि मैंने इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में से ऐसे मैंने काट लिया। काटने के बाद इसको हल्का हल्का से ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद ग्राइंडर में डाल के ऐसे थोड़ा सा पीस लेना है। देखिए ग्राइंडर में पीसने के बाद ये स्टेप से इतना इसको हम थोड़ा सा ऐसे छानेंगे। ये देखिए छानने के बाद ये ऐसे निकली हुई है, और ये थोड़ा सा जैसे बची है तो इसको दोबारा पीस कर फिर हम इसे। देखिए एक नारियल के छिलके से हमने कितनी अच्छी से कोकोपीट अपने घर में तैयार कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। आप भी अपने घर में, आपके पास जो भी नारियल हो उसका छिलका इकट्ठा करते जाइए। मेरे पास अभी एक थी तो हमने कहा कि नारियल के छिलके की वीडियो बनाएं, उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके पास जो भी हो इकट्ठा करके आप इसी तरीके से आप एक अच्छी सी कोकोपीट बना सकती हैं। देखिए अब इसको हमने दोबारा पीस के साथ मिला लिया है। अब इसके बाद इसमें अच्छे से हम पानी मिला देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे कि पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए पानी इसमें खूब डाल दिया, डाल के 10 मिनट के लिए ऐसे हम छोड़ देंगे। मतलब इसको आपको छोड़ना तो है कम से कम आधा एक घंटे के लिए छोड़ना है। इसे आधा एक घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जब जितना पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा इसे दबा दबा के निचोड़ के सारा पानी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको हल्का सा सुखा के आप अपना बढ़िया सा कोकोपीट आपकी तैयार हो जाएगी घर में। को निकाल लेना और आपके देखिए बड़ी अच्छी से घर में आप भी ट्राई करिए। इसमें आप कोई भी कटिंग लगाइए, कोई भी सीडलिंग करिए, बहुत अच्छे से चलेगी। और विंटर आ रहा है, इसमें आप अपने प्लांट की सीड जो लगाएंगे विंटर फ्लावर्स की, बहुत अच्छे से चलती है। तो आप इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।